नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज खबर वाराणसी से। वाराणसी के दारानगर स्थित स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी के तत्वाधान में विजयादशमी के अवसर पर स्वर्णकार बंधुओं ने पारंपरिक रूप से अस्त्र शस्त्र की पूजा कर शक्ति की आराधना की। इस पूजा में समाज के उपस्थित लोगों ने अपने पारंपरिक अस्त्र शस्त्र ढाल तलवार हथौड़े आदि का पूजन किया। देखिए वाराणसी से हमारे संवाददाता अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। या, अपनी जगह तो हम बना ले। हाँ, अपना परिचय बताइए भैया। मैं किशोर कुमार सेठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी। किशोर जी, आज किस तरह का टाइटल दिया जा रहा है, क्या उद्देश्य है? ये स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी का स्थापना 1954 में हुआ था और तब से उस परंपरा का हम लोग निर्वहन करते चले आ रहे हैं, जबकि हमारे पूर्वजों ने जो हम लोग को सौंपी है कि असत्य पर सत्य का विजय का पर्व जो विजयादशमी का त्यौहार है, ये हम लोग के धर्म में भी बहुत बड़ा एक त्यौहार मनाया जाता है और आज ही के दिन हम लोग अपने पारंपरिक अस्त्र शस्त्र ढाल तलवार का हम लोग पूजा करते हैं और आज के दिन माँ दुर्गा सप्तशती का संपुट पाठ किया जाता है और इसी अवसर पर हम लोग जो हर्षोल्लास के साथ इस आयोजन को हम लोग हर साल मनाते चले आ रहे हैं। ये कार्यक्रम कब चालू हुआ है? ये 1954 से लगातार चलता चला आ रहा है स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी के। आपको जानकारी होना चाहिए कि ये स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी ही ऐसी संस्था है क्योंकि बाबा काल भैरव जी की शोभा यात्रा भी रथ यात्रा के दिन लगातार 1954 से लगातार मनाती चली आ रही है। ठीक।